हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। आपका एक टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल, यानी स्कूल लेवल पे जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कैसे प्रोमिनेंट है और कैसे जो है आप क्या क्या तरीके या स्ट्रैटेजीज या क्या वेज होंगे इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जो है जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक्सपीरियंस की जाती है। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो ये है कि जो ये बीएड के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिकली जो आपका लर्निंग बेस्ड कॉन्टेंट है या फिर जो बिल्कुल आपको किसी दूसरे के थियरीज हैं उनको छोड़ के जो आपका सिलेबस बच गया, वो सिलेबस बहुत हद तक जनरल होता है। और आपको उस जनरलिटी में ये ध्यान रखना है कि आप जो है अपने व्यूज, अपने थॉट्स या आपके साथ जो चीजें हुई हैं वो एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, तो आप उनको मॉडिफाई करके उन्हीं को पॉइंट्स बना के जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है बीएड एमएड के जो कोर्सेज हैं उनमें। अब जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, चाहे वो फैमिली से लगा लीजिए या जो सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हम देखते हैं। अब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस और सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज हैं वो एक ही तरीके की बात हो जाती है कि आपका सोशलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो हर जगह होती है, देखा जाए तो शुरुआत से फैमिली में, सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में, उसके बाद जो है वो कहाँ पे भी देखने को मिलती है आपको, स्कूल लेवल पे। अब स्कूल लेवल पे जो है वो स्पेसिफिकली गर्ल्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड, उनके अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू मेल काउंटर पार्ट, बिकॉज हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा से पेट्रियार्कल रही है या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो हमारी रही है और अभी भी है काफी हद तक। हम बोल सकते हैं कि चेंजेस या बदलाव हो रहे हैं लेकिन वो बहुत कम जो है, ग्रेजुअल, बहुत ग्रेजुअली हो रहे हैं, बहुत स्लोली हो रहे हैं। एकदम से उठ के आप ये नहीं बोल सकते कि हमने जेंडर इक्वालिटी जो है वो अचीव कर ली है। और ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर के बेसिस पे जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या जेंडर के बेसिस पे जो बाइस्डनेस हो रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, जिसमें कि गर्ल्स को जो है वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। तो स्पोर्ट्स में, अकेडमिक एक्टिविटीज में या बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट में जो है वो आपको जेंडर इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स जो है स्कूल लेवल पे मिल जाएंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जेंडर इनइक्वालिटी स्कूल करिकुलम में, टेक्स्ट बुक्स में और क्लासरूम प्रोसेस में। हम इसको दो तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कूल करिकुलम, टेक्स्ट बुक या क्लासरूम प्रोसेसेस में किस तरह की जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है और हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इन तीन एस्पेक्ट्स में क्या कर सकते हैं। जब आपसे इन जनरल स्कूल के बारे में जेंडर इनइक्वालिटी पूछा जाए तो ऑब्वियसली स्कूल करिकुलम, टेक्स्ट बुक और जो आपको जिस माहौल में पढ़ाया जा रहा है, ये चीजें कंप्लीट स्कूल को जो है वो एक तरीके से इंक्लूड कर लेती हैं। अगर आपसे स्पेसिफिकली अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, बाकी ये जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करके एक पॉइंट, मतलब एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के बारे में पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में या सिर्फ क्लासरूम प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि जो जेंडर स्कूल करिकुलम है उसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, टेक्स्ट बुक और क्लासरूम प्रोसेस। आप क्योंकि करिकुलम एक ब्रॉड टर्म हो गई, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी। टेक्स्ट बुक की जब हम बात करेंगे, टेक्स्ट बुक्स ऑब्वियसली आप इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रही हूं। अब हम शुरू करते हैं कि स्कूल करिकुलम में जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी कैसे देखने को मिलती है। तो जो जेंडर बायस्डनेस है वो करिकुलम में देखने को मिलती है। अब जेंडर ये जो करिकुलम है हमारा, ये ब्रॉड टर्म हो गई, इसके अंदर जो है हमारा सिलेबस भी इंक्लूड हो गया। तो सिलेबस में जो है वो जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, इन चीजों से रिलेटेड जो टॉपिक्स होने चाहिए या जो एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए इन टॉपिक्स पे, वो भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये स्कूल करिकुलम के पॉइंट्स हो गए। अब आपको एक चीज जो है बताना चाहूंगी कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, या तो आप जो है वेज टू प्रोमोट याद कर ध्यान में रखिए या उन चीजों को एस्पेक्ट में ध्यान में रखिए कि किस तरीके से हम प्रोमोट कर सकते हैं। अगर आपको वो याद है तो आप उसी से ऑपोजिट क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स जो है उसमें पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स याद है तो आपको उन्हीं के काउंटर पार्ट जो है वो सोल्यूशन जो आपको वेज टू प्रोमोट में देने हैं। तो ये दो चीजें आपको हर पॉइंट में लिखनी है कि स्कूल करिकुलम के इश्यूज
जैसे कि जेंडर बायसनेस है स्कूल करिकुलम में, नो जेंडर इक्वालिटी या नो सेक्स एजुकेशन, इस चीज ये भी आप जो है पॉइंट्स बना सकते हैं। और अब जो है स्कूल करिकुलम क्या क्या इंक्लूड करेगा, आपका सिलेबस, क्लासरूम प्रोसेस और टेक्स्ट बुक्स को इंक्लूड करेगा। उसमें फिर आप फर्दर क्या करेंगे, उन्हीं को टेक्स्ट बुक और क्लासरूम प्रोसेस को इनको हेडिंग्स बना के आप पॉइंट्स आगे मेंशन करेंगे। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स जो हैं सोसाइटी से शुरू होते हैं, फैमिली से शुरू होते हैं और वो स्कूल में भी कई बार जो है एनहेंस होते हैं, ये चीजें देखी हैं हमने। तो स्कूल करिकुलम में हम कैसे क्या क्या वेज या क्या क्या तरीके जो है अपना सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, तो हमें क्या करना है, एम्फिसाइज करना है एटीट्यूड्स और वैल्यूज पे। किस तरह की एटीट्यूड्स और वैल्यूज हमें करिकुलम में इंक्लूड करनी है, ऑब्जेक्टिव जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड एटीट्यूड्स, उस तरह की वैल्यूज जो है वो हमने इंक्लूड करनी है। जो आपका स्कूल करिकुलम है वो क्या इंश्योर करता है कि जो सिलेबस है आपका उसके अंदर आ गया सिलेबस, उस सिलेबस में जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड वैल्यूज इंक्लूड हो, ठीक है। फिर आता है कि आपको करिकुलम जो है वो रिवाइज करने की जरूरत है और जेंडर सेंसिटिव करिकुलम बनाने की जरूरत है। तो हमें जेंडर सेंसिटिव में हम ये वर्ड्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, बेसिकली हम कहना यही चाह रहे हैं कि जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी या बायस्डनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर आता है इंक्लूडिंग सेक्सुअल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सेक्स एजुकेशन जो है वो करिकुलम में पढ़ाई इंक्लूड की जानी चाहिए क्योंकि करिकुलम के अंदर सिलेबस आ गया और सिलेबस में जब आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो वर्ड है सेक्स उसी से रिलेटेड जो है क्या हो जाता है, हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि आप उसको जो है ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकते, तो वो जो है वो सेक्सुअल एजुकेशन की वजह से क्या होगा, वो टैबू जो है वो वहां से टूटेगा, वो स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं उनमें जो है क्या होगा इंप्रूवमेंट होगा और वो चेंज होने शुरू होंगे। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स जो है वो रिमूव करने हैं हमें स्पेसिफिकली करिकुलम से, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें जो है जेंडर इक्वालिटी झलके। तो अब जब पहला स्टेप आपका यानी स्कूल करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स में आप जो है जेंडर इक्वालिटी इंक्लूड करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ ले लेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर आता है कि करिकुलम शुड कंट्रीब्यूट टू लूजनिंग द स्टीरियोटाइप्स एंड डूइंग अवे विद प्रेजुडिसेस, यानी कि अब आप इसमें पैट्रियार्की से जैसे वर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टीरियोटाइप्स जो है पैट्रियार्की से रिलेटेड हैं या जेंडर बेस्ड जो स्टीरियोटाइप्स हैं, तो वो उसमें आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जेंडर बेस्ड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि लड़कियों को जो है वो मैथ्स जो है अच्छे से नहीं आता, या फिर और जो और रिलेटेड जो करिकुलम से या पढ़ाई से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स, तो वो स्टीरियोटिपिकल चीज जो है वो हमें क्या करनी है, कम करनी शुरू करनी है। और वो शुरुआत कहां से हो सकती है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्कूल करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना। तो फिर आता है टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में हम क्या देखने को मिलता है, हमें जेंडर बायस्ड एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं या जेंडर रोल्स जो है उन एग्जांपल्स में, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो आपको ये वर्ड्स जो है यूज करने अलग अलग, जेंडर बायसनेस, जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटीज, तो उस बेसिस पे जो एग्जांपल्स जो है वो बायस्ड होते हैं टेक्स्ट बुक में हमें बहुत बार देखने को मिलेगा। वहां पे क्या मिलेगा मोस्टली कि जो लेडीज है उनको अगर किसी फीमेल की फोटो दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, तो वो किससे रिलेटेड मिलेगी आपको, किया तो वो घर के काम कर रहे हैं या बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो उस चीज से रिलेटेड मिलेगी, which is obviously not wrong, लेकिन उसको सिर्फ उसी तरीके से पोर्ट्रे करना गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो जो जेंडर बायस्ड एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ये अगर कोई ऑटो रिक्शा की बात करें, आजकल तो चलिए फीमेल्स जो हैं वो भी चलाने लग गई हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा की अगर बात करें तो पहले आपको मेल मेंबर जो है उसके पास खड़ा दिखाई देगा कि ड्राइवर्स जो है वो कौन होंगे, मेल होंगे, तो वो उस तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो हमें टेक्स्ट बुक में देखने को मिलते हैं। ये जो है क्या दिखाता है, वो जेंडर इनसेंसिटिविटी दिखाता है। तो टेक्स्ट बुक में जो है, अब हमने ये पॉइंट्स पढ़े, हम वेज टू प्रोमोट में क्या करेंगे, हमें जेंडर सेंसिटिविटी लेके आनी है, जेंडर अनबायस्डनेस लेके आनी है। बायोग्राफीज जो है वो मेल रिफॉर्मर्स की बहुत सारी मिल जाएंगी, फीमेल की जो बायोग्राफीज हैं या जो फीमेल का इंडिपेंडेंस में या उससे पहले या बाद में जो रोल रहा है फीमेल का, वो जो है बायोग्राफीज जो है अच्छे से नहीं दिखाई जाती और मोस्टली मेल
रिफॉर्मर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। अब मेल रिफॉर्मर्स स्टेट वाइज अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो, और स्टेट की बुक है जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक है या कोई और बुक है, उसमें क्या होगा, स्टेट से रिलेटेड होंगे जो मेल रिफॉर्मर्स होंगे, और जो एनसीईआरटी की है जो नेशनल लेवल पे बुक्स हैं वो क्या करेंगे, वो ओवरऑल इंडिया की इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली हमें क्या मिलता है, मेल रिफॉर्मर्स की बायोग्राफीज देखने को या पढ़ने को मिलती है। उनके किस्से ज्यादातर सुनाए जाते हैं मेल रिफॉर्मर्स के, सोशल रिफॉर्मर्स के। फिर है पिक्चर शोइंग डिफरेंट जेंडर रोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर, कि अगर काम करने बाहर जा रहा है तो वो मेल की पिक्चर दिखाई जा रही है। तो ये जो पिक्चर बेस्ड चीजें हैं टेक्स्ट बुक में या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो चीजें क्या है, वो जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाती है वहां से जो है। और कई बार ये चीजें अनकॉन्शियसली हो जाती है, कई बार कॉन्शियसली की जाती है। तो वो अनकॉन्शियस जो है वो चीजें हमें कॉन्शियसली ठीक करनी है जो गड़बड़ हो रही है। तो हमें हर यहाँ पे क्या लेके आनी है, टेक्स्ट बुक जो है, हमें टेक्स्ट बुक को क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो वेज टू प्रमोट क्या होंगे जेंडर इक्वालिटी वाया टेक्स्ट बुक, कि आप रिवाइज कीजिए टेक्स्ट बुक को या लर्निंग मटेरियल को और उसे जेंडर सेंसिटिव बनाइए। वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी वाया जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा करिकुलम, स्कूल करिकुलम, उसमें हमने स्कूल करिकुलम को रिफॉर्म करने की, जेंडर सेंसिटाइज करने की बात की थी। तो जो जिस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप उसी तरह के वर्डिंग्स का जो है इस्तेमाल करके चीजों को हमें जेंडर सेंसिटिव ही करना है। कंटेंट आपका सेम रहेगा, तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करके लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फिर है टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड पिक्चर शोइंग डिफरेंट जेंडर रोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर। तो वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑन पिक्चर्स की वजह से हो जाता है वो हमें अवॉइड करना है। तो उस तरह की पिक्चर्स जो है टेक्स्ट बुक में अवॉइड की जानी चाहिए। सोशल फीमेल रिफॉर्मर्स जो है उनकी बायोग्राफीज भी इंक्लूड की जानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखें तो फीमेल काउंटर पार्ट को कम मेंशन किया जाता है। अगर हम न्यूमेरिकली भी देखें या डाटा देखें तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। तो डाटा के बेसिस पे भी क्या होता है, हमें फीमेल रिफॉर्मर्स की चीजें जो बायोग्राफीज हैं या जो उनकी जो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो कम देखने को मिलती है, तो वो इंक्लूड करने की जरूरत है। फिर आता है क्लासरूम प्रोसेस। क्लासरूम प्रोसेस में जो है सबसे ज्यादा रोल टीचर का होता है। टीचर के बाद जो है वो क्लासमेट्स का या जो फेलो हैं आपके, क्लास फेलोज हैं, उनका रोल आ जाता है। तो क्लास प्रोसेस में हम बहुत बार देखते हैं कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो टीचर नहीं करता है। ये टीचर वाइज भी डिपेंड करता है। हम मेजोरिटी का जो है वो पॉइंट लेके चल रहे हैं कि क्लासरूम प्रोसेस में कैसे इनइक्वालिटी प्रमोट हो जाती है अनकॉन्शियसली भी। कई बार टीचर को भी नहीं पता होता और वो जो है बार बार, या तो हो सकता है सेम जेंडर से बात करने लग जाएं, या कि जैसे कोई अगर फीमेल टीचर है तो हो सकता है वो फीमेल काउंटर पार्ट से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करें। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको जेंडर को छोड़ के स्टूडेंट का एस्पेक्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि सब स्टूडेंट सेम है। जेंडर बेसिस पे आप जो है उसमें बायस्डनेस ना करें। कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो जेंडर के बेसिस पे दी जाती है क्लासरूम में, और वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है। कई बार हम सोचेंगे कि इतना छोटा पॉइंट क्या हमें एग्जाम में लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर जो है वो रब करवा रहा है बोर्ड को, तो बॉयज से रब करवाया जा रहा है या सिर्फ गर्ल्स से करवाया जा रहा है, तो वो जो जेंडर ओरिएंटेड चीजें हो जाती हैं वो हमें बैलेंस करने की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स की राइटिंग अच्छी है तो उन्हीं से जो है बोर्ड को सजवाया जाए, बॉयज को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो क्या, मॉनिटर जब सेलेक्ट किया जाता है तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सिर्फ एक मॉनिटर आपको अपॉइंट करना है, उसमें गर्ल और बॉयज जो है वो दोनों खड़े हो गए एक एक करके, और उसमें अगर गर्ल्स की संख्या ज्यादा है और वो गर्ल को ही जो है वोटिंग कर देती है या बॉयज की ज्यादा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि जेंडर के बेसिस पे जो है आपकी चीजें सेलेक्ट हो रही है या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या असाइनमेंट्स जो है वो आपको जेंडर बेसिस पे मिल रहे हैं। तो वो जो है वो क्लासरूम में छोटी-छोटी चीजें हमें मेंशन करनी है कि इस तरह ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं वो क्या करती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करती हैं कभी-कभी अनकॉन्शियसली। फिर आता है जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस इन सिटिंग अरेंजमेंट्स। ये ऑलरेडी ऑल्दो बहुत छोटी चीज है कि आप जो है ये चीज मेंशन करें कि अलग-अलग लाइंस में जो है लड़के और लड़कियों को बिठाया जा रहा है, या ये कॉन्शियसली हो रहा है कि सब अलग-अलग बैठेंगे या अलग-अलग लाइंस में खड़े होंगे अगर प्रेयर हो रही है तो।
तो वो चीजें किसमें इंक्लूड होती है, वो जेंडर बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है कि आप जहां मन चाहे वहां नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये दो लाइन जो है वो ऑलरेडी बॉयज के लिए रिजर्व है और ये दो लाइन जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमें चेंज करने की जरूरत है कि आप कॉन्शियसली ये कर सकते हैं कि एक एक दोनों जेंडर को जो है वो साथ में बिठाने की कोशिश की जाए, ताकि उनकी जो हिजक है एक दूसरे के लिए, या कई बार बात करने से भी कतराते हैं लोग, तो वो जो है वो बातचीत जो है वो नॉर्मल हो जाए, ताकि फर्दर जब सोसाइटी में निकले, चाहे वो बॉय हो या गर्ल, तो वो हिजक ना हो और वो बातचीत जो है वो कंटिन्यू रहे, वो नॉर्मल लगे। वो अब जब, क्योंकि अगर स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट है तो बाहर जाके आप बात करने में जो है क्या करेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो वहां पे वो चीज नॉर्मल नहीं लगेगी आपको। तो वो क्लासरूम का भी प्रोसेस हो जाता है, प्लस टीचर का भी जो है उसमें रोल हो जाता है, और पेरेंट्स का भी कुछ हद तक रोल हो जाता है। फिर आता है कि हम कैसे प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी क्लासरूम में। तो हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल करना है। अगर आप बोर्ड पे मेंशन भी कर रहे हैं तो ही और शी जो है आप साथ में भी मेंशन कर सकते हैं स्लैश लगा के। तो आपको हमेशा जेंडर न्यूट्रल रहना है, स्पेसिफिकली किसी भी टीचर को। टीचर का बिहेवियर जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए और वो जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। अवेयर करना है स्टूडेंट्स को जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में, ताकि वो आपस में जो है उनमें जेंडर इक्वालिटी की प्रमोशन हो, ना कि जो है टीचर या किसी अपनी फैमिली को देख के, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी चली आ रही है उसको देख के आप जो है वहां पे भी पेट्रियार्की लाने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें अवेयर करना है जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में। हमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो साइट करने हैं जिसमें इक्वल इंपॉर्टेंस हो दोनों जेंडर्स की, ऑल जेंडर्स की, दो भी नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी, ऑल जेंडर्स की जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और हम जहां भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वहां पे हमें सिर्फ गर्ल्स या बॉयज को इंक्लूड करने की बजाय सभी जेंडर्स को जो है वो इंक्लूड करके चलना चाहिए। और हम इसमें एक और पॉइंट जो है वो अलग से हेडिंग डाल के भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे ट्रांसजेंडर्स जो है उनके प्रति जो है इनइक्वालिटी भी बहुत होती है। तो सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी को जो है गर्ल और बॉय में डिवाइड कर देना इज नॉट ओके, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जितनी गर्ल्स के साथ इनइक्वालिटी दिखती है, उतनी ही जो है कई बार बॉयज की तरफ भी दिखती है और ट्रांसजेंडर्स की तरफ भी दिखती है। तो वो जो इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का जो मुद्दा है, वो आपको जब आप जेंडर इक्वालिटी बोल रहे हैं तो वो ऑल जेंडर्स आप इंक्लूड करके चलेंगे और आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे उस चीज को। जैसे हम सिर्फ गर्ल्स के केस में डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, वैसे हम ट्रांसजेंडर्स के केस में भी डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट शो करेंगे। होम असाइनमेंट्स जो है वो इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन के साथ मिलने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम होम असाइनमेंट्स इंडिविजुअली देते हैं, तो वो ग्रुप में देने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रुप में जो है ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गर्ल्स का एक ग्रुप बन रहा है या बॉयज का बन रहा है, सब चीजों को, सब लोगों को इंक्लूड करके जो है वो ग्रुप डिवाइड होने चाहिए। तो होम असाइनमेंट्स जो है उसमें भी जेंडर पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। फिर आता है बाई गिविंग स्टूडेंट सेम अपॉर्चुनिटीज। जैसे हमने वो क्लासरूम प्रोसेस में छोटी छोटी बातों की बात की थी कि जो चौक डस्टर या जो लेके आने वाली, मान लीजिए क्लास में चौक खत्म हो गए, तो टीचर कई बार मॉनिटर को भेजता है, अगर मॉनिटर एब्सेंट है तो वो किसी बच्चे को पर्टिकुलर, तो वो जो बच्चा भेजा जा रहा है चौक लाने के लिए, वो स्पेसिफिकली हर बार जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि हर बार किसी लड़के को भेजा जा रहा है या लड़की को भेजा जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है वहां पे, आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज सेम देनी है। कई बार होता है कि स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, या जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसमें बॉयज को ज्यादा मौका दिया जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्स में भी, एकेडमिक्स में भी, और बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें सेम अपॉर्चुनिटी देनी है हर जेंडर को। Create a learning environment that includes both cooperative activities. Research has shown that boys learn best competitively and girls learn best in cooperative study groups. तो रिसर्च ने ये शो किया है ना कि लड़कियां जो है वो कॉपरेटिवली ज्यादा समझ पाती हैं, और लड़के जो है जब कॉम्पिटिशन की बात आती है तो वो कॉम्पिटिटिव नेचर को ज्यादा इजिली समझ पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक ऐसा लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो सबके लिए बेस्ट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमें कभी कॉपरेटिव और कभी कॉम्पिटिटिव, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज और सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो टीचर को लेके चलनी है।
फिर आता है इंक्लूडिंग एक्टिविटीज दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इसमें हम इंक्लूडिंग सेक्स एजुकेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो जो वेज हो गए जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, वो आपको जितने ज्यादा आपका अगर खुद का कोई ऑब्जर्वेशन है आप वो चीज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम टेक्स्ट बुक्स और स्कूल करिकुलम, जो कि सारा का सारा किस एम्बिट में आएगा, स्कूल के एम्बिट में आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। Thank you so much for watching.